हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 इंग्लिश सेमेस्टर 2 में यूनिट नंबर 3 इन फ्यूचर के बारे में समझने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है एक्टिविटी नंबर 1, उसमें ए है, विभाग ए, लुक एट दिस फोटोग्राफ, इट इज़ द एथलेटिक टीम ऑफ आनंद प्राइमरी स्कूल, एक सीटिंग अरेंजमेंट बिफोर द फोटोग्राफर कैम्प। और यहाँ पर आनंद प्राइमरी स्कूल में एथलेटिक टीम जो है, जो जीती है, उसका फोटोग्राफ लेना है, और फोटोग्राफ आए उससे पहले कि यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रंट रो, आगे की लाइन, सुनीता, मिताली, प्रीति, अंकिता, फर्स्ट रो, जयराज, निशांत, मिस्टर सरवैया, कोच, फिर मिसेस देसाई, प्रिंसिपल, परवेश, जोई, सेकंड रो, स्टैंडिंग, सलमा, सैजल और सरिता। तो इस प्रकार की उनकी सीटिंग अरेंजमेंट है। तो उसके बाद लिसन एंड रीड द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो दिया है उसको हमें पढ़ना है, तो चलो डिस्क्रिप्शन में क्या है वो देखते हैं। बिफोर द फोटोग्राफर कैम, फोटोग्राफर आए उससे पहले, सलमा, सैजल और सुनीता वेयर इन द फ्रंट रो, यानी कि फोटोग्राफर आए उससे पहले सलमा, सैजल और सुनीता पहली लाइन में बैठी हुई थी। जयराज एंड निशांत सीट एट द लेफ्ट साइड ऑफ मिस्टर सरवैया, यानी कि जयराज और निशांत लेफ्ट साइड पर, मिस्टर सरवैया के लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे। सुनीता एंड मिताली वेर बिहाइंड देम, सुनीता और मिताली उनके पीछे थी। प्रिंसिपल मैडम वॉज इन द सेंटर, यानी कि प्रिंसिपल मैडम जो थी वो मिडल सेंटर यानी कि मध्य में बैठी हुई थी, बीच में। प्रीति वॉज बिहाइंड परवेश एंड अंकिता वॉज बिहाइंड जोई। प्रीति वॉज बिहाइंड यानी कि पीछे थी परवेश और अंकिता के, परवेश के, और अंकिता जो थी वो जोई के पीछे थी। सलमा एंड सुनीता हेल्ड ट्रॉफीज यानी कि सलमा और सुनीता ने ट्रॉफी को, इनाम को, जो ट्रॉफी थी उसको पकड़ा हुआ था। द स्कूल बैनर वॉज बिहाइंड द स्टूडेंट्स, स्कूल का बैनर जो था उस विद्यार्थियों के पीछे था। इट वॉज नॉट रेडेबल यानी कि वो पढ़ सके वैसा नहीं था, यानी कि वो दूर से था और अच्छा दिख भी नहीं रहा था। उसके बाद भी मिस्टर जडेजा इज अ साइंस टीचर ऑफ द स्कूल, सी इज अ गुड फोटोग्राफर, सॉरी मिस जडेजा इज अ साइंस टीचर ऑफ द स्कूल, सी इज अ गुड फोटोग्राफर, वो एक अच्छी फोटोग्राफर थी। सी इज द ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ द स्कूल, वो इस स्कूल की ऑफिशियल यानी कि जो तय की गई होती है यानी कि फिक्स होता है वो फोटोग्राफर थी। उसके बाद सी नोज द टीचर्स एंड पीपल्स, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को अच्छे से जानती थी। सी मेड सम चेंज इन द सीटिंग अरेंजमेंट, उन्होंने कुछ बदलाव किया सीटिंग अरेंजमेंट में। लिसन एंड रीड हर इंस्ट्रक्शन, उनकी जो सूचना थी उसको सुनिए और पढ़िए। लेट अस मेक द फोटोग्राफ मोर ब्यूटीफुल, चलो हम इस फोटो को और अच्छा बनाते हैं। उसके बाद वी नीड सम चेंजेस हियर, हमें यहाँ कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ऑल एथलेट प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, सभी जो दौड़वीर है वो कृपया कर मुझे शांति से सुने, ध्यानपूर्वक सुने। बॉयज़ प्लीज वेक द फर्स्ट रो फॉर गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ लड़कों पहली जो लाइन है वो लड़की के लिए वेकेट यानी कि खाली कर दो। थैंक यू प्रीति एंड मिताली, धन्यवाद प्रीति और मिताली, प्लीज़ सीट नेक्स्ट टू योर कोच, कृपया कर आप अपने कोच के बाजू में बैठिए, नज़दीक या फिर बाजू में आप बोल सकते हो।
मिस्टर सावरिया, आपके जो कोच है मिस्टर सावरिया उसके नज़दीक बैठिए। वेर इज़ मिस्टर मैडम योगिनी? तो मैडम योगिनी कहाँ है? हेलो योगिनी, प्लीज़ टेक योर सीट टू द राइट साइड ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैडम, हेलो योगिनी, कृपया कर तुम अपनी जगह लो राइट साइड, यानी प्रिंसिपल मैडम की जो राइट साइड है वहाँ पर तुम अपनी जगह लो। थैंक यू वेरी मच अंकिता एंड सेजल, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद अंकिता और सेजल। प्लीज़ सीट नेक्स्ट टू योर योगा गाइड, कृपया कर तुम अपने योगा गाइड के बगल या बाजू में या फिर नज़दीक में बैठो। वेरी वेल, बहुत अच्छे। ऑल यू फोर बॉयज़, तुम चारों लड़कों, प्लीज़ स्टैंड इन द सेकेंड रो, कृपया कर दूसरी लाइन जो है वहाँ पर खड़े हो जाओ। दैट्स परफेक्ट, यह अब एकदम सही है। ऑल द एथलेटिक्स ऑफ द ऑफ थ्रो टीम, यानी कि सभी जो दौड़वीर है इस टीम के, कम फॉरवर्ड, आगे आओ, सिट इन द फ्रंट रो, पहले लाइन में बैठो। सलमा प्लीज़ सिट इन द मिडल, सलमा कृपया कर बीच में बैठो। क्वाइट फाइन, काफ़ी अच्छा, ओके अच्छा। लेट्स अब पुट दिस ट्रॉफी इन द मिडल ऑफ द टेबल, और ये जो ट्रॉफी है वो उसको बीच में टेबल पर रखो। लेट मी एडजस्ट द बैनर अ बाइट अप, मुझे थोड़ा बैनर को एडजस्ट करने दो, यानी कि व्यवस्थित करने दो। वेरी वेल, बाइट अप यानी थोड़ा सा। वेरी वेल, बहुत अच्छे। नाउ प्लीज यू ऑल विनर्स, अब कृपया कर सभी विजेताएं, लुक एट द कैमरा एंड गिव अ ब्रॉड स्माइल, कैमरा की ओर देखिए और एक बड़ी हास्य यानी कि हंसी दीजिए। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। उसके बाद सी, लुक एट द फोटोग्राफ केयरफुली, विच फोटोग्राफ शोज स्टूडेंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस जाडेजा, ए और बी? तो आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा फोटोग्राफ मिस जाडेजा ने खींचा है, ए या बी, और उसका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो आंसर में आएगा ए। उसके बाद है डी, डी में राइट अबाउट द करेक्ट फोटोग्राफ, सही फोटोग्राफ के बारे में लिखिए। जो खाली जगह है उसके यहाँ आंसर में बताता जाऊँगा, आप राइट डाउन कर सकते हो यानी कि लिख सकते हो अपनी किताब में या कॉपी में। नाउ ऑल द बॉयज़ आर इन द सेकंड रो, अब सभी बच्चे दूसरी लाइन में थे। दे ऑल आर स्टैंडिंग, आंसर में आएगा सलमा, सरिता और सुनीता आर इन द फ्रंट रो। उसके बाद दे आर खाली जगह में आएगा सीटिंग। उसके बाद मिसेस देसाई इज द खाली जगह, यानी कि प्रिंसिपल, जवाब में आएगा प्रिंसिपल। सी इज सिटिंग इन द मिडल, जवाब में आएगा मिडल। उसके बाद है मिस्टर सारविया इज द कोच, ही इज सिटिंग टू द खाली जगह, सिटिंग टू द लेफ्ट साइड, क्या आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ प्रीति। खाली जगह इज योगा गाइड, तो योगिनी इज अ योगा गाइड। सी इज सिटिंग टू द खाली जगह साइड ऑफ मिताली, यानी कि वो मिताली के लेफ्ट साइड, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड पर थी। उसके बाद द ट्रॉफीज आर खाली जगह द टेबल इन द मिडल ऑफ, आंसर आएगा इन द मिडल ऑफ। खाली जगह इज द फोटोग्राफर, तो मिस जाडेजा इज द फोटोग्राफर, ओके। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर टू, देर इज अ साइंस फेयर एट आनंद क्लस्टर रिसोर्स सेंटर टुडे, जीसीआरटी रीडर मिस्टर अहिर इज विजिटिंग सीआरसीज, लेट्स अस लिसन टू हिम। यहाँ पर सीआरसी की जो विजिटिंग है उसके बारे में बताया है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उसके रिलेटेड यहाँ पर कुछ खाली जगह दी है उसको भी आपको फिलअप करना है, तो चलो देखते हैं। नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, नमस्कार, सबको अभिनंदन।
आई एम वेरी हैप्पी विथ योर साइंस प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स। मैं काफ़ी खुश हूँ आपके साइंस प्रोजेक्ट और मॉडल्स से। सोलर मोबाइल चार्जर प्रोजेक्ट ऑन अ फूड प्रेजनेस टेक्निक्स, लो कॉस्ट मैथ टेक्नोलॉजी टेक्निक मॉडल्स एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर रोल कॉल आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ के उन्हें जो अच्छा लगा है प्रोजेक्ट में उसके बारे में वो बता रहे हैं। द स्टूडेंट्स हियर आर वेरी कॉन्फिडेंट। यहाँ पर विद्यार्थी काफ़ी आत्मविश्वास है। दे आंसर ऑल द क्वेश्चन। उन्होंने सब सवालों का जवाब दिया है। आई वॉज एट भुज स्टेट में कल भुज में था। आई विजिटेड माधापुर एंड कुकमा सीआरसीस। मैंने वहाँ माधापुर और कुकमा के सीआरसी में मुलाकात ली थी। एट माधापुर आई लाइक द प्रोजेक्ट ऑन लॉरेन फार्मिंग। मुझे वहाँ माधापुर में लॉरेन फार्मिंग का प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया था। एट कुकमा अ सेल्फ मॉडल ऑफ वॉइस ट्रांसलेटर वॉज इंटरेस्टिंग। वहाँ पर जो वॉइस ट्रांसलेटर का फोन प्रोजेक्ट था वो उनको काफ़ी रुचिदायक लगा था। उसके बाद आई विल विजिट वलसाड डिस्ट्रिक्ट टुमोरो। और कल मैं वलसाड डिस्ट्रिक्ट की मुलाकात लेने वाला हूँ। आई विल टेल देम अबाउट योर मॉडल्स। मैं उनको आपके मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। आई विल विजिट द डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर एट धर्मपुर। मैं जिला वैज्ञानिक केंद्र धर्मपुर की मुलाकात लेने वाला हूँ। उसके बाद उसके रिलेटेड यहाँ कुछ खाली जगह दी हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एक्टिविटी टू ए। तो यस्टरडे यानी कि कल जो हुआ था बीते हुए कल में उसके बारे में यहाँ लिखना है। तो उसमें आएगा मिस्टर अहिर वॉज एट खाली जगह यस्टरडे। तो आंसर आएगा भुज। ही विजिटेड माधापुर एंड कुकमा सीआरसीज। आंसर दोनों का मैंने बोल दिया है, माधापुर और कुकमा। फिर टुडे यानी कि आज, आज वो कहाँ है? तो ही इज़ एट आनंद क्लस्टर रिसर्च सेंटर। उसके बाद दूसरा है द स्टूडेंट्स एट आनंद सीआरसीज खाली जगह कॉन्फिडेंट। तो आंसर आएगा आर वेरी। उसके बाद टुमोरो, तो वो कल कहाँ जाने वाला है? ही विल विजिट खाली जगह डिस्ट्रिक्ट टुमोरो, तो वलसाड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ही विल ऑल्सो विजिट खाली जगह एट धर्मपुर, तो द डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर। आंसर आएगा द डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर एट धर्मपुर। ओके, तो उसके बाद है सी। तो यहाँ पर तुम्हारे शिक्षक तेमने 3 दिवस कल आज आवतीकालीन दिनचर्या ની વાત કરશે। તમે પણ વર્ગ શિક્ષક સમક્ષ તે રીતે તમારી દિનચર્યા અને આવતીકાલના આયોજનની વાત કરો। યાની કે આપકો જો આપને કલ કિયા થા આજ કર રહે હો ઓર કલ જો કરને વાલે હો ઉસકે બારે મેં એક દૂસરે કે સાથ ચર્ચા કરની હૈ, બાતચીત કરની હૈ। डी देर विल बी अ साइंस फेयर एट वलसाड बीआरसी टुमोरो, रीड देयर प्लान फॉर द साइंस फेयर। तो साइंस फेयर के लिए आपको ये डिटेल्स पढ़नी है। उसके बाद ई फिल इन द गैप्स बेस्ड ऑन द टेबल एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। रीड योर पैराग्राफ टू योर क्लासमेट। यानी कि जो ऊपर जो टेबल दिया हुआ है उसके आधार पे हमें ई जो है एक्टिविटी उसकी उसको फिनिश करना है। तो चलो उसको देखते हैं। द साइंस फेयर कमिटी मेंबर विल रीच खाली जगह एट 8 in the morning। आंसर आएगा सीआरसी। उसके बाद पार्टिसिपेंट खाली जगह आफ्टर 9 AM। यानी कि विल रीच RESC यानी कि पहुंचना आफ्टर 9 AM। सिद्धि राजवीर एंड विलियम खाली जगह द एंट्रीज फॉर द साइंस फेयर। तो विल रजिस्टर। आंसर आएगा विल रजिस्टर। उसके बाद खाली जगह विल गाइड देम। तो अंकित भाई विल गाइड देम। उसके बाद है खाली जगह में मेघा रोहित एंड दक्षा विल सीट नेक्स्ट टू द रजिस्ट्रेशन टेबल। उसके बाद दे
खाली जगह है, खाली जगह, तो खाली जगह में आएगा विल अलॉट, ALOT, स्टॉल्स टू द पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद देर विल बी अ फाइव सेक्शन इन द खाली जगह, तो आंसर आएगा साइंस फेयर। उसके बाद नीता विल बी द वॉलंटियर फॉर द फर्स्ट सेक्शन, सी खाली जगह, सी विल गिव टेबल्स चेयर्स पुश पिंस एंड सेलो टेप्स। तुषार विल वॉलंटियर सेक्शन सेकंड सेक्शन, दिव्यस विल लुक आफ्टर द खाली जगह सेक्शन, तो थर्ड सेक्शन। तस्लीमा खाली जगह गाइड फॉर द फोर्थ सेक्शन, तो आएगा विल, विल गाइड फॉर द फोर्थ सेक्शन। रीटा विल वर्क फॉर फिफ्थ सेक्शन, सलमान खान एंड नीरू बेन खाली जगह देस फाइव वॉलियंटर्स, यानी कि उसमें आएगा विल गाइड देस फाइव वॉलियंटर्स। हरेश अजीत एंड वंदना विल सर्व, यानी कि देंगे उनको टी एंड स्नैक्स एट 11 इन द मॉर्निंग एंड एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। भारती एंड तरुण खाली जगह विल वेलकम जजेस, दे विल रिमेन रेडी टू वेलकम गेस्ट, देयर प्रिंसिपल सर विल स्टे विथ देम। ओके, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिविटी 2D एंड 2E। तो एक्टिविटी 2D और 2E के अनुसार आपको आंसर देना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल वॉलंटियर्स इन द साइंस फेयर, तो आंसर आएगा 16 स्टूडेंट्स, यानी कि 16 विद्यार्थी। हाउ मेनी स्टॉल्स विल बी देयर इन द साइंस फेयर, तो कितने स्टॉल्स थे, तो 5 स्टॉल्स, 5 स्टॉल्स। हु विल गाइड वंदना अजीत एंड हरेश, तो आंसर में आएगा साधना बहन एंड सोमा भाई। उसके बाद हु विल सीट एट द रजिस्ट्रेशन टेबल, तो मेघा रोहित एंड दक्षा। पांचवा, और हाउ मेनी टाइम्स विल बी आर सी सर्व टी एंड स्नैक्स, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3, यह जो एक्टिविटी है वो आपकी यूनिट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसी में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स वगैरह एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो लिसन टू केयरफुली। तो शुरुआत करते हैं एक्टिविटी नंबर 3, आई विल बिकम, यानी कि मैं बनूंगा। तो यहाँ पर इस स्टोरी में विद्यार्थी क्या क्या बनना चाहते हैं वो अपने विचार रजू को दर्शाते हैं। तो चलो देखते हैं। देर वॉज एन इजी राइटिंग कॉम्पिटिशन एट बागपुर प्राइमरी स्कूल, बागपुर प्राइमरी स्कूल में एक निबंध लेखन स्पर्धा हुई थी। द टॉपिक वॉज आई विल बिकम, उसका विषय था कि मैं बनूंगा। हियर आर द टॉप 3 एसेस, यहाँ पर पहले 3 3 निबंधों के बारे में बताया गया है। पहले है सिद्धार्थ रोट, सिद्धार्थ ने लिखा है आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, यानी कि मैं एक शिक्षक टीचर बनना चाहता हूँ। आई विल लाफ विथ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने बच्चों के साथ यानी कि विद्यार्थियों के साथ हंसना चाहता हूँ, यानी कि मैं हंसूँगा। आई विल नॉट शाउट एट देम बट विल शाउट विथ देम, मैं उन पर चिल्लाऊंगा नहीं लेकिन मैं उनके साथ चिल्लाऊंगा, यानी कि वो उनके साथ मिलकर चिल्लाने की बातें करता, यानी कि मस्ती करने की बात करता है। आई विल नेवर इंसल्ट माई स्टूडेंट्स, मैं कभी अपने विद्यार्थियों का इंसल्ट नहीं करूँगा, यानी कि अपमान नहीं करूँगा। एंड विल नॉट फाइंड फॉल्ट विद देम, और उनमें कभी गलतियाँ भी नहीं ढूंढूंगा। एवरी स्टूडेंट हैज सम स्पेशल एबिलिटी, हर विद्यार्थी में कुछ अलग विशिष्ट कला होती है, यानी कि सीखने लायक कुछ चीज़ होती है। आई विल प्ले विद देम एंड विल डिस्कवर देयर स्पेशल एबिलिटीज, मैं उनके साथ खेलूँगा और उनकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ है, खास विशिष्ट
कला जो है उसको डिस्कवर यानी कि ढूंढूंगा। माई स्टूडेंट विल गिव देयर ओपिनियन इन द क्लास। मेरे स्टूडेंट्स मेरे विद्यार्थी विल गिव दे सकेंगे देयर ओपिनियन उनका मंतव्य यानी कि उनको जो कहना है वो इन द क्लास वर्गखंड में। आई विल नॉट इंसिस्ट ऑन द पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। मैं मेरे वर्गखंड में नीरव शांति का आग्रह नहीं रखूंगा यानी कि एकदम इंसिस्टमेंट आग्रह रखना पिन ड्रॉप साइलेंस यानी कि एकदम चुप रहने का कहना। देर विल बी चेयरफुल वॉइस इन माई क्लास मेरे वर्गखंड में हमेशा खुश मिजाज आवाज़ें होंगी। आई डिसलाइक लेक्चर मुझे भाषण पसंद नहीं है यानी कि प्रवचन जो होता है वो मुझे पसंद नहीं है। सो आई विल टीच माई स्टूडेंट्स थ्रू एक्टिविटीज़ इसीलिए मैं मेरे विद्यार्थियों को एक्टिविटीज़ के द्वारा पढ़ाऊँगा यानी कि प्रवृत्तियों के द्वारा ही पढ़ाऊँगा। वी विल डू अ लॉट ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टुगेदर। हम कई सारी सुनने की बोलने की और प्रत्यक्ष प्रवृत्तियों को एक साथ करेंगे। वी विल डू अ लॉट ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी टुगेदर। वी विल गो आउट सिंग डांस एंड हैव फन टुगेदर। हम बाहर जाएंगे गाएंगे नाचेंगे और एक साथ मजे करेंगे। इन शॉर्ट आई विल बी अ फ्रेंड फॉर ऑल। शॉर्ट में कहूँ तो यानी कि टूक में शॉर्ट में आई विल बी अ फ्रेंड फॉर ऑल मैं सभी के लिए एक मित्र बनकर रहूँगा। दे ऑल विल लव मी वो सब मुझे चाहेंगे। आई विल इंजॉय माई लाइफ एज ए टीचर मैं एक शिक्षक के रूप में मेरे जीवन का आनंद लूँगा। उसके बाद इवा लिखती है तो इवा लिखती है लास्ट जनवरी आई वेंट टू माई अंकल्स प्लेस। कहती है कि मैं पिछली जनवरी मेरे चाचा के घर पे गई थी। इट इज़ अ वेडाम नियर खम्बात के निये नज़दीक वड़गांव में गई थी। इट इज़ अ वड़गांव नियर खम्बात खम्बात के नज़दीक वड़गांव में गई थी। अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम बड़ोडा केम देयर। बड़ौदा से जवान लड़के और लड़कियों का एक समूह वहाँ पर आया हुआ था। दे क्रॉस द बे ऑफ खम्बात ऑन फुट एंड देर वॉज नो टाइड। खम्बात के सागर को उन्होंने जब भर्ती ओट नहीं थी तब उन्होंने चलकर उसको पार किया था। ऑन अ फुट यानी कि चलकर व्हेन देयर वाज नो टाइड यानी कि जब भर्ती नहीं थी तब। दे केम देयर टू सी फ्लॉक्स ऑफ फ्लेमिंगो एट नाइट। दे केम देयर जब वो रात में वहाँ रुके थे तो उन्होंने सुरखाब सुरखाब का झुंड वहाँ पर देखा था। दे ऑब्जर्व द नाइट स्काई विथ अ बिग टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप से रात के आकाश को बारीकाई से जांच करते थे। धवल भाई वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस ट्रिप। धवल भाई इस टीम ट्रिप के यानी के मुलाकात के ऑर्गेनाइजर यानी के संचालक थे। आई टॉक विथ हिम मैंने उनसे बात की। आई लर्न अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट नेचर। मुझे कुछ रुचिदायक कई सारी रुचिदायक चीज़ें अबाउट नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में सीखना था। प्रकृति की कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में मुझे सीखना था। आई विल ऑल्सो बिकम अ ट्रेकिंग ऑर्गेनाइजर मैं भी एक ट्रेकिंग व्यवस्थापक बनूंगी ऐसा वो लिखती है। आई विल स्टडी बर्ड्स बटरफ्लाइज इंसेक्ट एनिमल सोयल एंड ट्रीज। मैं पक्षी तितली छोटे जीव जंतु पशु जमीन और पेड़ों के बारे में अभ्यास करूँगी। दे ऑल आर लवली पार्ट्स ऑफ अवर वर्ल्ड वे सब हमारे दुनिया के एक सुंदर भाग है। आई विल ऑल्सो लर्न स्काई गेजिंग और मैं आकाश
को देखना भी सीखूंगी। आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स, वी विल मेक अ ग्रुप। मैं अपने मित्रों के साथ बात करूंगी और हम एक ग्रुप को बनाएंगे। एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द ब्यूटीफुल प्लेस इन गुजरात। पहले तो हम ढूंढेंगे अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि सुंदर जगह है इन गुजरात, ओनली सिर्फ गुजरात में ढूंढेंगे। दवल भाई टोल्ड मी, दवल भाई ने मुझे कहा था, वंस यू कम इन अ कॉन्टेक्ट विथ नेचर, जब तुम एक बार प्रकृति के संपर्क में आओगे, जब एक बार तुम प्रकृति के संपर्क में आओगे, यू विल लव इट मोर, तुम और उसे पसंद करोगी। ही ऑल्सो सेड, और उन्होंने कहा था, दिस इज़ अ वेरी गुड वर्क, यह एक अच्छा काम है। यू कैन अर्न गुड मनी, तुम एक अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। इट इज़ अ सर्विस टू यंग जनरेशन, और एक जवान पीढ़ी के लिए एक सेवा भी है। इट विल मेक योर लाइफ थ्रिलिंग, वो तुम्हारे जीवन को एक रोमांचक कर देगा, यानी कि रोमांचित कर देगा। द नेम ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन विल बी टूगेदर विथ नेचर, मेरी जो संस्था रहेगी उसका नाम रहेगा प्रकृति के साथ रहो। वी माई फ्रेंड्स एंड आई विल ऑर्गेनाइज ट्रिप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात। मैं और मेरे मित्र हम सब ऑर्गेनाइज, यानी कि आयोजन करेंगे ट्रिप्स, यानी कि प्रवास का, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के अलग अलग स्थलों का, लाइक जैसे कि रत्नमहल, जांबुघोड़ा एंड द्वारका। आई होप ऑल ऑफ यू विल जॉइन अस एंड विल एंजॉय योर लाइफ, आशा रखती हूँ कि आप सब मुझसे जुड़ोगे और जीवन का आनंद लोगे। उसके बाद लास्ट में नितिन लिखता है, आई लव नेचर, मुझे प्रकृति पसंद है। आई लाइक पोल्यूशन फ्री लाइफ, मुझे प्रदूषण मुक्त जीवन पसंद है। सो आई विल बिकम अ फार्मर, इसलिए मैं एक किसान बनूंगा। आई विल हैव अ टाइम टेबल फ्री लाइफ, मेरे पास समय पत्रक है मुक्त जीवन रहे वैसा। आई विल इंजॉय ऑल सीजन, मैं सभी ऋतुओं का आनंद लूँगा। माई फैमिली विल हैव हेल्थी फूड्स, फ्रेश एयर एंड हेल्थी ड्रिंक, मेरा परिवार आरोग्यवर्धक आहार, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मेरे परिवार को मिलेगा। वी विल कीप शेड ऑफ काउस, बफलोज एंड गोट्स, हम गाय भैंस और जो भेड़ बकरी होती है उसको रखेंगे। उसके बाद इट विल गिव अस मिल्क एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो हमें दूध और रसायन मुक्त जो खाद है वो देगी। आई विल ग्रो ऑर्गेनिक क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मैं रसायन मुक्त ऑर्गेनिक पाक लूँगा, यानी कि फसल लूँगा, सब्जी और फलों को उगाऊँगा। दिस विल मेक पीपल हेल्थी, वो लोगों को तंदुरुस्त बनाएगा। फार्मिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, खेती एक अच्छा व्यवसाय है। अ फार्मर कैन एन्जॉय फैमिली लाइफ एंड हेल्थी लाइफ, किसान कौटुंबिक जीवन और स्वस्थ जीवन को जी सकता है। एंड कैन गिव हेल्थी लाइफ टू अदर, और दूसरों को भी स्वस्थ जीवन दे सकता है। उसके बाद बी है, सेंटेंस आर मिक्सअप, योर आइडेंटिफाई सेंटेंस फॉर सिद्धार्थ इवा एंड नितिन राइट धैम बिलो। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं वो मिक्स हो गए हैं, तो सिद्धार्थ ने कौन सा सेंटेंस बोला है, इवा ने कौन सा बोला है और नितिन ने कौन सा बोला है, वो आपको अलग अलग करना है और लिखना है। उसके बाद है सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर इच सेंटेंस, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट एंड से इट टू द क्लास। पहला है, सिद्धार्थ विल इंसिस्ट ऑन अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, तो फॉल्स, सही स्टेटमेंट आएगा, सिद्धार्थ विल नॉट इंसिस्ट ऑन अ पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास।
दूसरा है ईवा विल लर्न स्काई गेजिंग, तो उसमें ट्रू आएगा। तीसरा है नितिन विल यूज़ ओनली केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उसमें फॉल्स आएगा। सही स्टेटमेंट है नितिन विल यूज़ ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उसके बाद चौथा सिद्धार्थ विल बिकम अ फ्रेंड टू हिज स्टूडेंट्स, तो उसमें ट्रू आएगा। पांचवा ईवा विल नॉट अर्न गुड मनी, तो उसमें फॉल्स आएगा। ईवा विल अर्न गुड मनी। उसके बाद डी हु कैन स्पीक दिस सेंटेंस राइट देयर नेम, यानी कि कौन सेंटेंस बोलता है उसका हमें नाम लिखना है इस यूनिट के आधार पर, यानी कि जो हमने एक्टिविटी देखी उसके आधार पर। स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, देर इज अ बर्ड इन दैट ट्री, तो आंसर आएगा सिद्धार्थ। फ्रेंड्स वी विल गो फॉर अ मूवी ऑन 26 जनवरी, तो उसमें भी आंसर आएगा सिद्धार्थ। वी यूज़ ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो उसमें आएगा आंसर नितिन। दिव्यस विल यू प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस वर्ड कार्ड्स टू इच ग्रुप, तो उसका आंसर आएगा सिद्धार्थ। वी सप्लाई 200 लीटर्स ऑफ मिल्क टू द डेयरी एवरी डे, तो उसका आंसर आएगा नितिन। उसके बाद है ई व्हाट विल यू बिकम अ टीचर, अ ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर और अ फार्मर, व्हाट विल यू डू देन, यू कैन ऐड अ न्यू आइडियाज ऑल्सो। यहाँ पर आपको आपके अनुसार, अगर आप टीचर होते और ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर होते और फार्मर होते तो आप क्या क्या करते, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ओके उसके बाद है एफ, यहाँ भी आपको ग्रुप में काम करना है। इसमें भी वर्क इन अ ग्रुप, डिस्कस व्हाट विल यू नॉट डू, यू कैन राइट इन गुजराती, प्रेजेंट योर व्यू इन द क्लास, यानी कि आप क्या नहीं करना चाहते उसको आपको गुजराती में लिखना है, यानी कि लिखकर क्लास के सामने उसको प्रेजेंट यानी कि रजूआत करनी है। उसके बाद जी टॉक विद दिस पर्सन, फिल द डिटेल्स इन द टेबल, तो यहाँ पर आपको योर फेवरेट टीचर, आपके पसंदीदा टीचर का नाम लिखना है, उसका एजुकेशन लिखना है और उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, रुचि है, वो लिखना है। उसके बाद एन ऑटो ड्राइवर, अगर आप ऑटो ड्राइवर होते उनका नाम लिखना है, सॉरी एन ऑटो ड्राइवर, आप जो ऑटो ड्राइवर को मिलते हैं आते हैं उसका एजुकेशन नेम वगैरह लिखना है। उसके बाद अ डॉक्टर एट नियरेस्ट PHC, यानी कि नज़दीकी दवाखाने में जो डॉक्टर होता है उसके बारे में आपको लिखना है, आपके नज़दीकी घर के आसपास। और शॉपकीपर, नज़दीकी दुकानदार का नाम लिखना है और उसका एजुकेशन, उसका इंटरेस्ट, वो सब लिखना है। उसके बाद तलाटी, तलाटी का नाम लिखना है, उसका एजुकेशन और उसका सब्जेक्ट इंटरेस्ट आपको लिखना है। एक्टिविटी नंबर 4, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, चित्र को अच्छे से देखो। और देखकर यहाँ जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको आपको भरना है और चित्र को देखकर उसके आधार पर आपको इसको फिलअप करना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5, तो ये एक्टिविटी 5 हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है तो इसको हम स्किप करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 6, प्लीज लेटर इन द राइट ऑर्डर ड्रॉ फ्रॉम द नेम्स ऑफ सनफ्लावर, तो यहाँ पर फूलों के नाम दिए गए हैं लेकिन स्पेलिंग में शब्द थोड़ा बदल दिया है, यानी कि उलट से कर दिया है, उलट फेर, तो आपको उसको राइट ऑर्डर में लिखना है। प्लेस लेटर इन द राइट ऑर्डर ड्रॉ फ्रॉम द नेम ऑफ फ्लावर्स, तो आपको उसको लिखना है। मैं एक बार पूरा जो आंसर है उसको बोल देता हूँ, आप बाद में उसको फिलअप कर देना। पहले में आएगा स्वीट पे, स्पेलिंग है SWEET PEA। उसके बाद है मैरीगोल्ड, स्पेलिंग आएगा MARIGOLD। उसके बाद है जैस्मिन,
JASMINMINE, लोटस LOTUS, उसके बाद मोगरा MOGRA, उसके बाद स्पेलिंग है DAHLIA, उसके बाद है PHLOX, उसके बाद स्पेलिंग आएगा PANSY, उसके बाद अंतिम स्पेलिंग है HIBISUS। स्पेलिंग आपको लिखना है और साथ में इसका जो हिंदी उच्चार होता है वो भी आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद बी, यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स श्रब्स एंड ट्रीज। दिस ग्रेड हैज द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री। लुक फॉर दिस वर्ड्स, बर्ड्स, पॉट, लीफ, स्ट्रीम, रूट्स, थ्रोन्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स। फाइंड एज फास्ट एज यू कैन, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डिग्नोटली। यानी कि आपको यहाँ जो पूरी ABCD से अक्षर भरे हुए हैं उसमें आपको ये जो शब्द दिए हैं उसको ढूंढना है और सीधे हॉरिजॉन्टली या फिर क्रॉस में भी आप उसको कर सकते हो, बराबर। तो ये शब्द आपको ढूंढ के उसको क्रॉस राउंड करना है। एक्टिविटी नंबर 7, यहाँ पर आपको एक दो पोएम दी गई है, उसको आपको अच्छे से गाना है और उसको अच्छे अक्षरों से कॉपी में आप लिख सकते हो। ए है गुड नाइट स्लीप टाइट, वेक अप ब्राइट इन द मॉर्निंग लाइट, टू डू व्हाट्स राइट विथ ऑल योर माइट। दूसरा है द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन द फील्ड्स आर ट्रीज, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेला, हियर आर हियर एंड ऑन ऑफ द सी ऑन द शिप्स एट सी। इस प्रकार आपको उसको रिसाइट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 3 है वो फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।